भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मंगल्यं सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं देवाधिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 प्रणम सागर मुनि 108 श्री चंद्र सागर जी महाराज की। ऋणमियूण सब सिद्धे झाणुत्तम खविदीह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अणुपे हणम वोच्छे। धर्म अनुपरीक्षा का वर्णन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक के लिए और श्रमण के लिए अलग अलग तरह से धर्म की व्याख्याएं हैं। आचार्य कुंद कुंद देव गृहस्थों के लिए जो धर्म है वह 11 प्रकार का और श्रमणों के लिए जो धर्म है वह 10 प्रकार का इस तरह से यहाँ पर कल निर्देश किया था। आगे गृहस्थ का धर्म कैसे पलता है और वह अपनी गृहस्थी में रह कर के भी किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकता है यह 11 प्रतिमाओं के माध्यम से गृहस्थ को अपना धर्म बढ़ाना होता है। 11 प्रतिमाओं से पहले हमें यह समझना होगा कि गृहस्थ का जो धर्म है श्रावक का जो धर्म है वह धर्म सम्यक दर्शन से शुरू होता है और उसी सम्यक दर्शन के साथ में वह पाक्षिक श्रावक कहलाने लग जाता है। 3 प्रकार के श्रावक होते हैं, एक पाक्षिक श्रावक, एक नैष्ठिक श्रावक और एक साधक श्रावक। पाक्षिक श्रावक का अर्थ होता है जो वीतरागता का पक्ष धारण करता हो, वीतरागता की आराधना करता हो वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है। जब वह श्रावक और आगे बढ़ता है तो वह नैष्ठिक श्रावक की पदवी को भी प्राप्त कर लेता है। नैष्ठिक का अर्थ होता है कि उसकी निष्ठा और बढ़ती चली जा रही है और वह निष्ठा उस उपदेश में बढ़ती चली जा रही है जो भगवान ने दिया है। उसकी निष्ठा इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वह आगे आगे व्रतों को भी ग्रहण करता चला जाता है। जब श्रावक अष्ट मूल गुणों का पालन करने लग जाता है, सम्यक दर्शन को अपने साथ में रखता है तो वह नैष्ठिक श्रावक की पहली सीढ़ी पर होता है। नैष्ठिक श्रावक के लिए ही 11 प्रकार की ये प्रतिमाओं का वर्णन किया जाता है और प्रतिमा का अर्थ कोई भगवान की प्रतिमा नहीं, प्रतिमा का अर्थ है संकल्प।
जब हमारे अंदर किसी प्रतिज्ञा का, किसी संकल्प का उदय होता है तो वह प्रतिमा के नाम से यहाँ पर कहा जाता है। और एक तरह से हम ये समझ लें कि इस श्रावक को भी प्रतिमा की तरह पूज्य बनाने वाली ये 11 प्रकार के ये व्रत हैं, ये संकल्प हैं। उन 11 व्रतों के, प्रतिमाओं के नाम ये गाथा 69 में यहाँ आपके सामने है। दंसन व सामाय पोसह सचित्राय भक्तेय ब्रह्मारंभ परिग्रह अणुमणु मुदिठ देश विरदेय। पढ़ो एक बार। यह 11 प्रतिमाओं के नाम उल्लेख इस एक गाथा के माध्यम से किए गए। सबसे पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ है कि हमें सम्यक दर्शन के साथ संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। और इस दर्शन प्रतिमा का धारक श्रावक कम से कम अष्ट मूल गुणों का पालन अवश्य करता है। अष्ट मूल गुण क्या हैं? तो आचार्य कहते हैं 5 अणुव्रत और मध्य मास मधु का त्याग। इनका यदि हम संकल्प लेकर के सम्यक दर्शन पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो हम पहली प्रतिमा के श्रावक कहलाने के योग्य बन जाते हैं। यहां से ही आत्मा में ऐसी विशुद्धि उत्पन्न होती है कि वह आत्मा आगे बढ़ने के लिए और संकल्पित हो जाती है। मध्य मास मधु का त्याग वैसे तो जैन श्रावक का सबका रहता है, लेकिन संकल्प पूर्वक त्याग होना आपके लिए आत्मा में कसाय की कमी करेगा। संकल्प पूर्वक त्याग होना वह आपके अंदर के भावों के गुणस्थानों को बढ़ाएगा। और सामान्य से हम उन चीजों का सेवन नहीं करते हैं, ये अपने अंदर भाव रहना ये आपके लिए भावों की वृद्धि करने वाला नहीं होता है। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। क्या कहा? जब आत्मा में प्रतिज्ञा का उदय हो जाए उसका नाम है प्रतिमा। प्रतिज्ञा लोगे तो प्रतिज्ञा का अर्थ है कि आप बंध गए। किससे बंध गए? गुरु से भी बंध गए और धर्म से भी बंध गए। और जब तक प्रतिज्ञा नहीं है आप छुट्टा हो। आपके लिए ना गुरु से कोई बंधन है ना धर्म से कोई बंधन है। प्रतिज्ञा का इतना महत्व होता है कि जिस तरह से गाय होती है, गाय का बछड़ा होता है, आपने देखा होगा कि वह बछड़ा गाय के साथ साथ पीछे भी चलता है, कभी कभी आगे भी भाग लेता है। वह बछड़ा अगर आगे भी भागेगा तो थोड़ी दूर ही आगे जा पाएगा, ज्यादा वो आगे नहीं जा सकता। और आगे जाते हुए भी वो पीछे देखता जाएगा कि मेरी गाय, मेरी माँ मेरे पीछे मुझको दिखाई दे रही है कि नहीं, मेरे साथ चल रही है कि नहीं। और वह गाय भी ये देखती रहती है कि वो मेरा बेटा, मेरा बछड़ा जब तक आगे उछल रहा है, आगे जा रहा है, वह मुझे मेरी आंखों से दिखाई दे रहा है कि नहीं। और जैसे ही वो आंखों से ओझल होना शुरू होता है तो इधर गाय रंभाने लग जाती है। वह तुरंत अपने उस बछड़े के लिए इशारा करती है, बछड़ा लौट करके उसके पास में आ जाता है।
बछड़े का गाय के साथ में जैसा संबंध होता है, ऐसा ही गुरु का और शिष्य का संबंध हो जाता है। और वह शिष्य का संबंध जब इस प्रकार से बंधन के रूप में होता है, तो वो तभी हो सकता है जब आप किसी ना किसी संकल्प की डोर में गुरु के साथ बने, और वह संकल्प की डोर आपको उछलने कूदने फिरने के लिए भी स्वतंत्रता देगी, लेकिन आपको उत्श्रृंखल नहीं होने देगी। बछड़ा घूमता है, स्वतंत्रता से आगे भी रह जाता है, पीछे भी चलता है, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा बनी रहती है कि मेरा इस माँ से वियोग न हो, गाय मुझसे दूर न हो जाए। वह कितना भी आगे जाएगा, लेकिन वह पीछे देखता रहेगा, यही इन दोनों का आपस में बंधन कहलाता है। और उस बंधन के साथ में सुरक्षा बनी रहती है। लोग बंधने से इसलिए डरते हैं कि महाराज हम बंध नहीं सकते, हम संकल्प नहीं ले सकते, हम किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा करने से तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं कोई दोष लग गया तो, कहीं वो प्रतिज्ञा कभी टूट गई तो आचार्य कहते हैं देखो, प्रतिज्ञा तोड़ने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो कहलाता है अतिचार और एक कहलाता है अनाचार। अतिचार का अर्थ होता है कि हमारे अज्ञान से, हमारे प्रमाद से अगर हमारे लिए हुए व्रतों में कोई दोष लग जाता है तो वह अतिचार कहलाता है, और अगर हमारे जानबूझ करके उस दोष में प्रवृत्ति हो रही है तो वह अनाचार कहलाता है। आपने कोई भी छोटी सी प्रतिज्ञा ली, अब वह प्रतिज्ञा लेने के बाद में आपके अज्ञान से या प्रमाद से कोई दोष लगा तो उस दोष के लिए प्रायश्चित होते हैं, प्रतिक्रमण होते हैं। गुरु से अपने दोषों का निवेदन किया, आलोचना होती है, और उससे माध्यम से हमारे उस प्रतिज्ञा में लगे दोषों का निवारण हो जाता है। लेकिन अगर हम जानबूझ करके प्रवृत्ति करते हैं तो वह फिर अतिचार नहीं होता, वह अनाचार हो जाता है। और अनाचार का मतलब है कि हमारी वह प्रतिज्ञा या हमारा वह व्रत पूरा का पूरा टूट जाना। जब हम व्रत लें तो हम इस प्रकार का ध्यान रखें कि हमारे लिए अतिचार अगर क्वचित कदाचित लगे तो हम उसे प्रतिक्रमण के माध्यम से शोधन कर लें, लेकिन कभी भी हमारे व्रत में अनाचार नहीं होना चाहिए। मद्य मांस और मधु का त्याग करना भी दोनों प्रकार से होता है, अतिचार से सहित और अतिचार से रहित। जिसका मद्य मांस मधु का निरतिचार व्रत का पालन करने का भाव होगा, वह किसी भी ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करेगा जिसमें किसी भी प्रकार से मांस खाने का दोष लगे, किसी भी प्रकार से शराब पीने का दोष लगे, या किसी भी प्रकार से मधु आदि की हिंसा का दोष लगे। देखो, गृहस्थ श्रावक है, जब उसने मद्य मांस मधु का त्याग किया, उसके लिए सामान्य रूप से ये तीन चीजें उसके सामने से हट गईं। लेकिन जब वह घर में रहता है और उसके साथ साथ कभी उसे औषधि की जरूरत पड़ती है, या कभी उसके लिए कोई ऐसे पदार्थ की जरूरत पड़ जाए जो बाजार का रेडीमेड बना हुआ हो, तो वह व्यक्ति जिसने ये दर्शन प्रतिमा को धारण कर लिया है, वह इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जीव हिंसा के माध्यम से त्रस हिंसा का अगर उसमें भाव आ गया और त्रस जीवों की उस पदार्थ में हिंसा हुई है, तो वह भी उसके लिए मांस सेवन के बराबर हो जाता है। जिन पदार्थों की मर्यादा जितने दिनों की बताई है,
अगर वह पदार्थ मर्यादा से बाहर हो जाते हैं तो उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तीन दिन की मर्यादा कब होती है बोलो, श्रावकों को जानते हो कि नहीं? हैं? बारिश में अन्न की मसाले की मर्यादा तीन दिन की, ठंड आई तो मर्यादा पांच दिन की, कितने दिन की? सात दिन की, और गर्मी आ गई तो मर्यादा पांच दिन की। हम इसलिए भी पूछ लेते तुम लोग जागृत हो के नहीं। जब गर्मी में मर्यादा पांच दिन की, ठंड में मर्यादा सात दिन की, और बरसात में मर्यादा कितने? तीन दिन की। ये आगम की वाणी, ये अरिहंत भगवान के द्वारा कहे हुए उन वचनों से हमें ज्ञात होता है कि अगर हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को लेते समय भले ही वो आटे का हो या किसी अन्य का हो, कोई और मसाला हो, उन सब की मर्यादा तीन दिन, पांच दिन और सात दिन के अंदर अलग अलग मौसम में ये होनी चाहिए। अगर वह मर्यादा से बाहर का आटा हो गया तो आचार्य कहते हैं कि उस आटे में त्रस जीवों की उत्पत्ति होने लगती है, और वह त्रस जीवों की उत्पत्ति होने लगी माने त्रस जीवों के साथ ही मांस का संबंध शुरू हो जाता है। आपके लिए वह त्रस जीव देखने में नहीं आएंगे, आपको कैसे देखना है? ज्ञान की आंखों से देखना, सम्यक दर्शन की आंखों से देखना, इस जिनवाणी की आंखों से देखना। अगर वह त्रस जीवों की उत्पत्ति तीन दिन बाद होने लगी तो आपके लिए मांस का निरतिचार त्याग है यह नहीं कहा जा सकता है। श्रावक के लिए पहली प्रतिमा में मद्य, मांस और मधु का त्याग आ जाता है और वह इनका निर्दोष रूप से पालन करने लग जाता है, तभी उसके लिए ये पहली प्रतिमा पलती है, यहीं से उसका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब आप विचार करें, जब तक आपने संकल्प नहीं लिया है तब तक आप अविरत सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं, लेकिन व्रती या प्रतिमा के धारण करने वाले नैष्ठिक श्रावक में आपकी गिनती नहीं आ सकती। अब आपको अगर नैष्ठिक श्रावक की भावना हो और अपने दर्जे को ऊपर बढ़ाना हो तो आचार्य कहते हैं क्रम क्रम से आगे बढ़ो। ये 11 कक्षाएं हैं, किसकी? श्रावक की। पहली कक्षा पास करोगे तो दूसरी कक्षा में प्रवेश मिलेगा, दूसरी कक्षा पास करोगे तीसरी कक्षा में प्रवेश मिलेगा, तीसरी कक्षा पास करोगे चौथी कक्षा में प्रवेश मिलेगा, और ऐसा प्रवेश आपके लिए कराते कराते कहां तक? तब तक कराएंगे जब तक कि आपको घर से बाहर ना निकाल दें, क्योंकि घर में रह करके आचार्य महाराज कहते हैं कि आप 10 प्रतिमा तक का पालन कर सकते हैं, लेकिन 11वीं प्रतिमा जैसे ही हो जाती है तो फिर आप घर में नहीं रह सकते, और अगर रहना भी चाहो तो वह आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपने अपने ही घर में कोई अलग स्थान बनाया हो और उस स्थान में यदि आप रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन वह निर्दोष रहना नहीं हो सकता, क्योंकि 11वीं प्रतिमा का मतलब हो गया छुल्लक बन जाना, क्या समझे? और अगर छुल्लक बन करके घर में रहोगे तो फिर समाज के लोग आपको छुल्लक जीवी मानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वह ये जानते हैं कि छुल्लक महाराज बनने के बाद में अब आपको सबके घर में भोजन के लिए जाना,
आपके लिए जो भी बुलाए उसके यहाँ जाना केवल अपने घर का ही वह नियम नहीं रह जाता है, यानी एक तरह से ग्यारहवीं प्रतिमा में वह गृहस्थ घर से बाहर हो जाता है। ये एक तरीके हैं धर्म को घर में रहकर के पालने के। और सबसे पहले अभी तक आपके लिए पाक्षिक श्रावक की बात की है, अब यहाँ पर नैष्ठिक श्रावक की बात की जाती है। अभी आप पहली कक्षा में भी प्रवेश नहीं लिए हो, सुन रहे हो गोटे गांव के श्रावकों, अभी आपका पहली कक्षा में भी गृहस्थ के लिए जो प्रवेश होता है एक प्रतिमा का पालन करना, वह भी नहीं हो रहा है। अभी आप कक्षा से बाहर हैं, कौन सी कक्षा से? नैष्ठिक श्रावक की कक्षा से बाहर हैं। केवल अगर पाक्षिक श्रावक का भी आपके लिए अभी पूरा पूरा पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पाक्षिक श्रावक भी जो जिनेन्द्र भगवान का नित्य प्रति पूजन करे, क्या समझे, कम से कम, और कोई खाने पीने के व्रत उसके लिए लागू नहीं कर रहे हैं पाक्षिक श्रावक में, क्या कि वह भगवान का नित्य प्रति कम से कम पूजन करे, देव वीतराग देव शास्त्र गुरु की आराधना करने का ही उसका एकमात्र संकल्प हो, तो वह पाक्षिक श्रावक कहला सकता है। अभी बहुत से ऐसे श्रावक हैं जो पूजा तो करते हैं लेकिन नित्य प्रति पूजा करने का उनका अभी संकल्प नहीं है। यानी जब तक हम पाक्षिक श्रावक नहीं बनेंगे तब तक हम नैष्ठिक श्रावक बनने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रख सकेंगे। और यह आपके लिए कम से कम श्रावक कहने का मतलब है जो श्रद्धा विवेक और क्रिया तीनों को करे उसका नाम श्रावक है। श्रद्धा है, विवेक है और क्रिया नहीं है तो वह श्रावक नहीं है। श्रा माने श्रद्धा, वाव से विवेक और का से क्रिया, तीनों जब आपकी एक साथ जुड़ेंगी तब वह आपके लिए श्रावक की पदवी मिलेगी। वैसे तो कहने में आ जाता है ये जैन श्रावक हैं, लेकिन वस्तुतः श्रावक शब्द भी अपने आप में बहुत गंभीरता को धारण करने वाला और बहुत बड़े अर्थ को धारण करने वाला है। आपको उस श्रावक बनने के लिए कम से कम प्रतिदिन भगवान का पूजन और अभिषेक इतना तो करना ही चाहिए, तब आप पाक्षिक श्रावक। बाद में ये नैष्ठिक श्रावक की बातें आ रही हैं, आप भले ही ना करें लेकिन कम से कम सुन लें, समझ लें। आपके लिए हम मौका देंगे, अभी नहीं तो फिर कभी सही, आपके मन में भावना आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो उस ज्ञान के द्वारा आप कभी ना कभी इस श्रावक के व्रतों का पालन कर सकते हैं। पहली प्रतिमा में हमारे लिए इतना अगर विवेक आ जाए कि हम कम से कम ऐसी चीजों का सेवन नहीं करें जिन चीजों में त्रस हिंसा होने लग जाती है। अब ऐसी चीजें आपके लिए जब तालिका बनाई जाएगी तो क्या क्या आ जाएंगी? जितनी भी बाजार की मिठाइयां हैं, क्या सुन रहे हो, आपके लिए नहीं, जो पहली प्रतिमा लेगा उस श्रावक के लिए कह रहे हैं। आखिर लोगों के मन भी रहते हैं कि हम कैसे पहली प्रतिमा का पालन करें, तो पहली प्रतिमा लेने वाले श्रावक को बाहर के खान पीन का त्याग अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो बाजार की मिठाइयां हैं उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है कि वो कब की बनी हुई हैं, ताजी भी बनी है तो भी वह मर्यादित आटे, मर्यादित बेसन या मर्यादित दूध इत्यादि की वो बनी हुई
नहीं होती हैं, और जहां पर इस प्रकार की मर्यादा नहीं रही नियम से, वहां पर त्रस हिंसा से लगने वाले पाप का हमारे लिए वह बंद होने लग जाता है। इसलिए जो दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक हो तो वह अपने मन में ये विचार करना, अब हम बाहर की मिठाइयां नहीं खा सकेंगे। इसके साथ साथ जो सामूहिक भोज होते हैं जहां पर कोई शुद्धि का विवेक नहीं रहता, ऐसी बारात इत्यादि में भी उनका वह भोजन पानी खाना पीना वह छूट जाता है। और जैसे जैसे ये सब छूटेगा वैसे वैसे आप अपने निकट में आओगे। जब तक आप इन सब चीजों के त्याग के साथ में नहीं चलोगे, आपके लिए आत्मा की उन्नति के जो 11 सोपान बनाए गए हैं, इन सोपानों पर चढ़ने का आपके लिए कोई भी सौभाग्य नहीं मिलेगा। जब जब हम अपनी आत्मा की बात करेंगे, हमें बाहर से कटना होता है, छूटना होता है, और जब हम व्यवहारिकता को थोड़ी थोड़ी सी इस प्रकार से कम करते हुए जाते हैं, तभी हमें अपने अंदर उस निश्चय आत्म तत्व का सही श्रद्धान होता है, और तभी हम उस आत्मा को प्राप्त कर पाते हैं। एक बालक एक बार एक माँ से जिद करने लगा, कहने लगा, माँ मुझे घर छोड़ करके जाना है। और उसने जिद कर ली। माँ ने कहा कोई बात नहीं, चले जाना, लेकिन जाने से पहले मेरी चार बातें याद रखना। क्या याद रखना? पहली बात यह है कि तुम अपने घर को याद रखना। बालक कहने लगा, माँ मैं तो घर छोड़ करके जाना चाह रहा हूं, और तुम कह रही हो कि अपने घर को याद रखना। माँ ने कहा, हम तुमसे जो कह रहे हैं उसे हमेशा याद रखना। पहली बात तो यह है कि तुम अपने घर को याद रखना, चाहे तुम कहीं भी जाओ। दूसरी बात यह है कि तुम अपने पड़ोसी को याद रखना। बालक को कुछ समझ में नहीं आया, ये माँ कैसी सीख दे रही है, हम तो घर छोड़ करके जाना चाहते हैं, सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, और माँ कह रही है कि पहली बात अपने घर को याद रखना, दूसरी बात अपने पड़ोसी को याद रखना। दो बातें पहले हम डिस्कस कर लें। पहली बात का अर्थ उस बालक के लिए समझ में नहीं आया। माँ ने कहा, बेटा कहीं पर भी जाओ अपने घर को याद रखना, घर के बाहर जाकर के भी तुम्हें ये ध्यान रहे कि हमारा घर क्या है। बताओ दिगंबर दास जी, अपना घर कौन सा है? अपना घर क्या है? ये अपना घर नहीं है, अपना घर तो अपने भीतर है। हम तो कबहू न निज घर आए। निज घर, जिस घर की याद हमें कभी नहीं आई, ऐसी आत्मा में रहना ही अपना घर है। और जब हम आत्मा में न रह पाए तो वह माँ कहती है अपने पड़ोसी को याद करना। पड़ोसी कौन कौन बोलो? शरीर नहीं, पड़ोसी देव शास्त्र गुरु, ये तीन पड़ोसी। जब तुम अपने घर में अपनी आत्मा की याद ना कर पाओ तो तुम भगवान की याद करना, क्योंकि भगवान भी हमारे लिए पर हैं। क्या समझे? पड़ोसी या पड़ोसी एक ही बात है, जो पर है वह पड़ोसी है। भगवान हमसे अन्य है, गुरु हमसे अन्य है, वो हमारे लिए क्या हो गए? पड़ोसी। और जिस समय पर हम अपनी आत्मा की आराधना करें वो क्या हो गए? हम तो अपने घर में आ गए। यानी गुरु के पास जाना, प्रभु के मंदिर में भी जाना, ये क्या है? अपने पड़ोसी को याद करना है।
और वह पड़ोसी की याद ऐसे बनी रहे कि या तो पड़ोसी की याद रहे या अपने घर की याद रहे। अगर तुम अपने घर तक पहुंचना चाहते हो तो पहले पड़ोसी के घर को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। बिना पड़ोसी के घर को क्रॉस किए हुए आप अपने घर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए पहले पड़ोसी का आलंबन लिया जाता है। देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन हमारे लिए पड़ोसी हैं और हमारी अपनी आत्मा हमारा अपना निज घर है। बालक को माँ ने समझाया तो उस बालक को इतना तो समझ में आ गया कि हम कहीं भी रहें हमें अपने घर को याद रखना या देव, शास्त्र, गुरु को याद रखना। और वह देव, शास्त्र, गुरु की याद भी आपके लिए तब सही मानी जाएगी जब हमारे लिए कम से कम भगवान की पूजन और उनकी आराधना करने का मन बना रहे। सुन रहे हो, पूजन भी रोजाना नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे श्रावक हैं जो रोजाना तो नहीं अष्टमी चतुर्दशी को भी भगवान की पूजन नहीं कर पाते हैं। आप पूजन करने से क्या समझते हो कि हम अगर भगवान की पूजन कर रहे हैं तभी भगवान की पूजा हो रही है, या हम भगवान की पूजन करके अपनी आत्मा के गुणों की पूजा कर रहे हैं? क्या समझते हो? अगर हम भगवान की पूजा करके अपने अंदर पूज्यता का भाव ला रहे हैं, हम अगर भगवान के पुजारी बनकर के भी अपनी आत्मा की उन्नति की भावना कर रहे हैं तो वह पूजन तुम्हारे लिए अवश्य आकर्षित करेगा। और जब तुम्हारे अंदर ये भावना नहीं रहती कि भगवान पूज्य हैं और उनकी पूजा से हमारे अंदर विशुद्धि उत्पन्न होती है, हमारे अंदर उनके गुणों की प्राप्ति की भावना होती है, तो आपके लिए वह भगवान की पूजन करने की भी भावना नहीं हो पाती है। आप कम से कम इतना विचार करें कि जब हम भगवान के पास में पूजन करने के लिए होते हैं उस समय पर हमारे मन में अपने आप कसायों का अभाव हो जाता है, हमारे मन में विषयों की इच्छा दूर हो जाती है और हमारे सामने एक परमात्मा दिखाई देता है। हम परमात्मा की आराधना करके अपने को भी उस परमात्मा के गुणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके बिना आपके लिए कोई भी ऐसा आलंबन नहीं जो ये बता सके कि आपकी भगवान पर श्रद्धा है। आप ऊपर ऊपर से कहते रहो कि हमारी भगवान पर श्रद्धा है और आप भगवान की पूजन न करो तो ऐसे आपकी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा नहीं मानी जा सकती है। क्या सुन रहे हो? अब नीचे मुंडी कर ली तुमने? थोड़ा सा विचार करो। अपने लिए कम से कम इतनी तो भावना है कि हम पाक्षिक श्रावक बने रहें। अगर पाक्षिक श्रावक का हम दूसरा अर्थ लें तो कम से कम पक्ष में दो बार तो भगवान की पूजन हो जाए। क्या समझे? पक्ष माने एक पखवाड़ा 15 दिन का, एक अष्टमी, एक चतुर्दशी, इतनी तो कम से कम हमारे अंदर भावना आ जाए कि हम भगवान की पूजन अष्टमी और चतुर्दशी को वैसे ही कर लें जैसे अभी इंद्र बन करके किए थे। कम से कम इतनी तो अष्टमी और चतुर्दशी के लिए हमारी भावना बन जानी चाहिए, तभी वह पाक्षिक श्रावक की गुणवत्ता आपके अंदर आएगी। नहीं तो आप कहीं भी रहेंगे, माँ ने कहा है बेटा अपने घर को याद रखना या पड़ोसी को याद रखना, और तुम्हें ना पड़ोसी की याद आती है ना तुम्हें अपने घर की याद आती है, तुम्हें केवल मिट्टी की चार दीवारों के बने उस घर की और उस मकान की याद आती है। ऐसे में तुम्हारे लिए कैसे मन की शांति मिलेगी, तुम्हें मन का सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि मन की शांति हमेशा हमेशा ऐसे ही चरणों की आराधना से मिलती है। आचार्य सामंतभद्र महाराज कहते हैं जब ये दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक उसके लिए पंच गुरु चरण शरण,
उसके लिए शरण और क्या है, पंच परमेष्ठी की, पंच गुरु के चरणों की ही उसे एकमात्र शरण रह जाती है। और वह दर्शनी कह, दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक ही वास्तव में दार्शनिक बन जाता है। क्या समझे? आपको फिलोसोफर बनना है, दार्शनिक बनना है, तो आपको इतना कर अवश्य करना होगा कि आपके अंदर भगवान दिखने लग जाएं। जब हम दार्शनिक बनने की भावना करेंगे तो हमारे अंदर ये दर्शन प्रतिमा के भाव अवश्य उत्पन्न होंगे, क्योंकि यही भावना हमें सब समुदाय से हट करके जब कोई अलग सोचता है तो उसी का नाम दार्शनिक कहलाता है। क्या समझे? फिलोसफर कौन कहलाते हैं? भीड़ में रहते हुए भी वो भीड़ से अलग सोचते हैं, उनका दिमाग अपना अलग काम करता है, उनका चिंतन अपना अलग काम करता है, इसलिए वो दार्शनिक नाम पा जाते हैं। आप भी इस भीड़ में रह करके इस भीड़ से ऊपर उठेंगे तो आपके लिए सबसे पहले कहा जाएगा कि आप दार्शनिक बन गए। दर्शन प्रतिमा को धारण जिसने कर लिया वो दार्शनिक, और उस दार्शनिक का सबसे बड़ा लक्षण कि वह पंच गुरु की चरणों में अपनी शरण मानता है। जिस व्रत को वह धारण कर लेता है वह उस व्रत को कभी भी तोड़ता नहीं है, और छोटे छोटे व्रतों को भी यदि वो धारण करता है तो भी उसके लिए वह दर्शन प्रतिमा में आ जाता है। कभी कभी हमारे अंदर वह बड़े बड़े व्रत धारण करने की भावना नहीं होती तो इस तरह से इन प्रतिमाओं के माध्यम से आगे बढ़ा जाता है। हम मध्य मास और मधु का भी निर्दोष रूप से पालन नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर बाजार की बनी हुई चीज खाने में आ गई तो हमारे लिए मध्य मास मधु का भी अभी त्याग नहीं है, और बाजार की चीजें हम खुद खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। अभी अभी एक नई नई ताजा खबर आई है, एक चॉकलेट आती है जिसका नाम है किटकैट। जानते हो आप लोग? हम तो नहीं जानते, हमने तो केवल पढ़ा है। और उस किटकैट में ये साबित किया गया है कि इस चॉकलेट के अंदर बछड़े का मांस रहता है। बछड़े के मांस का प्रयोग करके वह चॉकलेट बनाई जाती है। आप विचार करो, आप खुद क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। बाजार की चीजों को खाना अपने धर्म को भ्रष्ट करना है, अपनी अंदर की अहिंसा भाव को मिटा देना है। और जिस चिप्स को सबसे ज्यादा खाया जाता है वह लेज चिप्स, सुन रहे हो ना? बहुत पहले इसके बारे में खबर आ चुकी थी। ये लेज चिप्स जिसमें सुअर के मांस की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, आप विचार करो कहां चिप्स जैसी छोटी सी चीज और कहां वह सुअर के मांस की चर्बी। और इसकी अगर आपको और अच्छी प्रमाणिकता चाहिए हो तो ये कहा गया है कि आप गूगल पर रिसर्च कर लो, एक 636 नंबर गूगल पर डाल करके आप उसकी सर्च कर लो कि उस नंबर में जो बना हुआ है वो नंबर वो किससे बना है। तो वह उसमें लिखा हुआ है ई 636 का मतलब है कि सुअर के मांस की चर्बी का इसमें प्रयोग हुआ है। आप विचार करो कि चिप्स जैसी चीज, चॉकलेट जैसी चीज, इनमें जब हमारे लिए मांस आने लगा तो अब आप कैसे कह सकते हो कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को धर्म का संस्कार दे पा रहे हैं। जब आचार्यों ने यहाँ तक कहा कि कोई भी अमर्यादित चीज है हम उसे बिना जाने बिना सोचे कभी भी अपने मुख पर ना रखें, तो ये तो ऐसी चीजें हैं जिनका ज्ञान हमें रहता ही नहीं है, इसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है। और ऐसी चीजें खाने वाले आप सभी लोगों के लिए ये सुविधाएं बन चुकी हैं, और इसी का ये परिणाम हो रहा है कि समय से पहले अनेक प्रकार के रोग
रोग हर आदमी के लिए अब सामने आ रहे हैं। रोग तब आते हैं जब हमारा अपने भोजन पान पर कंट्रोल नहीं रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हम खाने में स्वादिष्ट जिसको मान लेते हैं, हम उसको अच्छा समझ लेते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, पचाने में जो ठीक हो उसका नाम सही भोजन होना चाहिए। अंततः परिणाम महत्वपूर्ण होता है, एक वाक्य है। क्या कहा? अंततः परिणाम महत्वपूर्ण होता है। हम अगर भोजन कर रहे हैं तो उस भोजन का परिणाम अंततः क्या हो रहा है हमें ये देखना। हम केवल मुंह के स्वाद के लिए भोजन करते हैं, हम पाचन की ओर ध्यान नहीं देते, अपनी आंतों की ओर ध्यान नहीं देते। नतीजा ये होता है कि मुंह के स्वाद के कारण से हम ऐसा भोजन कर जाते हैं जिसके माध्यम से अनेक प्रकार के ये रोग जो आज समय से पहले हमें हर एक प्राणी में दिखाई दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है केवल स्वादु बन जाना, स्वादिष्ट भोजन करने की बस ललक बनी रहना। और इतनी ललक आ जाती है कि अगर एक बार किसी के लिए डायबिटीज हो गई तो फिर उससे मना भी करो कि अब तुम शक्कर मत खाओ, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि वह उसका आदि हो चुका होता है, हैबिचुअल हो चुका होता है। इतनी उसके अंदर ये जो एक उस भोजन को ग्रहण करने की, स्वाद को लेने की जो एक ये भावना बनी रहती है, यह वस्तुतः उसके उस स्वास्थ्य के नाश के लिए सबसे बड़ा कारण बन जाती है। पशु स्वाद भोजन लेता है पेट भरने के लिए, मूर्ख भोजन करता है स्वाद के लिए, ज्ञानी भोजन करता है अपने आरोग्य और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और साधक भोजन करता है अपनी साधना को बढ़ाने के लिए। चार लोगों के भोजन करने के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? मात्र स्वाद लेना। और अगर स्वाद लेना उद्देश्य बन जाता है तो ये जितने भी प्रकार के भोजन हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जायकेदार मसालेदार वह भोजन अच्छे तो लगते हैं खाने में, लेकिन बाद में जब ये गैस्ट्रिक एसिडिटी अनेक प्रकार की पाचन संबंधी बीमारियां जब हो जाती हैं, तो ये सब इसी प्रकार के जायकेदार मसालेदार भोजनों के करने से होती हैं, क्योंकि शरीर के अंदर के वो कोमल अंग उतने मसालों को पचा नहीं पाते हैं। अभी एक वैज्ञानिक शोध हुआ और उसमें जो फास्ट फूड होते हैं इनके अंदर जो मसाला डाला जाता है, उन्होंने कहा कि ये मसाला जरूरत से ज्यादा होता है, और उसमें जो नमक होता है वो नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो किडनी पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। ये अभी डॉक्टरों ने शोध किया। फास्ट फूड खाने वाले लोग जो जायकेदार मसाला लेते हैं उसमें नमक की आयोडीन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उसका डायरेक्ट असर किडनी पर होता है, और अनेक प्रकार की वह किडनी की बीमारियां बनाने के लिए ये जिम्मेदार हो रहा है फास्ट फूड, और ये लिवर की बीमारियों के लिए भी ये कारण हो रहा है फास्ट फूड, जंक फूड। लगता अच्छा है लेकिन खाने के बाद उसमें कितना विटामिन, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट है ये किसी को ज्ञात नहीं है। बस उसमें कचरा के अलावा कुछ नहीं रहता, कचरे के अलावा कुछ नहीं रहता, और फिर भी उस भोजन को मसालों के माध्यम से केवल स्वाद के लिए जो खाते हैं वो अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हो, अब आप लोग वहां तो पहुंचे नहीं थे जब हमने वहां अजैन बच्चों को वहां पढ़ाया था और जंक फूड की एक परिभाषा दिखाई थी उनको,
सुन रहे हो ना आप लोग, वहां नहीं पहुंचे सरस्वती स्कूल में। जब हमने एक बार बताया था और आज तक आपको नहीं बताया, बताओ दिया तले अंधेरा है, घर के लोगों को बताया नहीं कि जंक फूड क्या होता है, और वहां अजयनों को बताने गए जंक फूड क्या होता है। डिक्शनरी उठा के देखना, इंग्लिश की, ऑक्सफोर्ड की, या साहिनी की, या कोई भी आपके पास डिक्शनरी हो, और देखना उसके अंदर जंक फूड, ये जंक शब्द निकालना उसमें से, देखना जंक का मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा मिलेगा जंक माने कूड़ा कचड़ा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और जंक फूड इसकी उसमें संक्षिप्त उसमें व्याख्या देखना, तो उसमें आपको लिखा मिलेगा ऐसा भोजन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उसका नाम है जंक फूड। और ये सब हम जान करके भी, या तो जानते नहीं इसलिए खा रहे हैं, और अगर जान करके भी खाते हैं तो अब तो आपके लिए और ज्यादा पाप लगने वाला है। क्या समझे? पहले जब तक आप जानते नहीं थे तो एक अज्ञान से पाप होना अलग है, अब आपने ज्ञान कर लिया, अब अगर आप खाओगे तो आपके लिए और ज्यादा पाप लगेगा, क्योंकि हमारे लिए वह स्वास्थ्य का भी नाश करता है और धर्म का भी नाश कर रहा है। हम केवल अपने मुंह के स्वाद नहीं देखें, कम से कम अपने शरीर का तो ख्याल करो। अगर तुम इस शरीर को भी अपना मानते हो तो अपने शरीर के लिए कितना आवश्यक हमें भोजन चाहिए, हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो आज हर एक व्यक्ति रोगी होता चला जा रहा है, और जब रोगी हो जाता है तो फिर कहता है महाराज हम भगवान की पूजन कर नहीं सकते, हम भगवान का आपसे कर नहीं सकते, हम भगवान के लिए कपड़े बदलने के लिए भी हमें ठंड लगती है। क्या समझे? भगवान के पूजन करने के लिए हम ठंड में कपड़े बदलने की भी हिम्मत नहीं होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, 8 बजे तक सोएंगे, 9 बजे तक चाय पियेंगे, 10 बजे तक उनका नाश्ता होगा, तब जाकर के उनका 2 बजे भोजन होता है, और दिन भर उनके लिए भोजन करने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, और वह रात के 10 बजे तक वह कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। जब कोई भी संयम नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का अपने मन में संकल्प नहीं, तो हमारे लिए ये श्रावक की नाम लेना या श्रावक ऐसा कहना भी एक तरह से बेईमानी है, क्योंकि हम गृहस्थ तो हैं, श्रावक नहीं है। क्या समझे? गृहस्थ में और श्रावक में अंतर होता है। गृहस्थ का मतलब जो घर में रहे, और श्रावक का मतलब जो श्रद्धा, विवेक और क्रिया, इन तीनों को अपने जीवन में अपनाए, उसका नाम श्रावक। इसलिए अब आप कम से कम जैन श्रावक बनने की भावना कर लो, श्रवण की नहीं करा रहा हूं। क्या कर रहे हैं महाराज? हमें तो लग रहा था ये 1292 का हो गई, अब आपने तो एक और नई शुरुआत कर दी। अब तो ये ऐसा लग रहा है कि अब 1292 का शुरू हुई है, वस्तुतः धर्म भावना अब शुरू हुई है। इसी से आपको ज्ञात होगा कि श्रावक कैसे कैसे अपने पद को बढ़ाता चला जाता है। ये दर्शन प्रतिमा पहली प्रतिमा है, आगे की प्रतिमाओं के नाम और उनके विवरण और उन श्रावकों की क्रियाओं का वर्णन भी आपको सुनने को मिलेगा। बोलो महावीर भगवान की। हाँ, का लेने बताओ? पूजन करने हैं। चलो ठीक है।